गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से। हमने इंग्लिश का 8th का लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था लाइफ, जिसमें कि जो पासिंग विंड है वो बार बार किसी के पास जाती है पूछने के लिए कि आप बताओ कि लाइफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि लाइफ किसे कहते हैं, तो सबसे पहले वो जाती है स्टार्स के पास, देन वो जाती है फिर उस मून के पास, और जब से सबसे पहले स्टार्स के पास जाते हैं, स्टार्स उसको बोलते हैं कि अपनी अपनी जो चमक में चमकना ही, अपनी रोशनी में चमकना ही हम उसे लाइफ कहते हैं। और विंड जो आती है फिर जाती है मून के पास, मून जब कहता है कि मेरे अंदर जो डार्क स्पॉट्स हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरी जो लाइफ है वो अपनी लाइफ नहीं है, एक मैंने उधार ली हुई रोशनी है मेरी, इसलिए मेरे ऊपर जो है ब्लैक स्पॉट्स पड़े हैं। और जो मेरा मुंह बोल रहा है, मेरी बॉडी इस तरह है जैसे कि किसी को वाइट कपड़े में लपेटा हुआ हो, सफ़ेद कपड़े में, जिस तरह कफन में लपेटा जाता है उस तरह मुझे लपेटा गया है एक डेड बॉडी की तरह। और मेरी जो लाइट है एक ऐसे ही है जैसे किसी विडो की स्माइल है, जैसे कोई विडो बेवा और जब हंसती है थोड़ी धीरे धीरे और कम आधी हंसी हंसती है, वैसे ही मेरी रोशनी है। तो आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज मेरे, मैं जो हूँ मैं एक समंदर का बच्चा हूँ और मेरी यही लाइफ है, मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर जो विंड है वो चली जाती है ओशन के पास सेम क्वेश्चन लेकर। ठीक है, विंड जो है वो सेम क्वेश्चन लेकर जाती है फिर ओशन के पास, समंदर के पास, क्योंकि जो मून है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो ओशन का बच्चा हूँ। ठीक है, द विंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू, कि तुम ही बताओ अब मुझे कि लाइफ क्या है। तो ओशन क्या कहता है, विद अ सीरियस लुक एट द विंड, बहुत ही सीरियस होके, बहुत ही सीरियस होके जो विंड है, जो सॉरी ओशन है, वो विंड की तरफ देखता है। ठीक है, बिल्कुल हैरानगी से जो ओशन है वो विंड को देखता है, क्या आंसर देता है फिर, टू रियलाइज वंस लिमिट एंड मेंटेन वंस डिग्निटी। ठीक है, टू रियलाइज वंस लिमिट की, अपनी हद को, किसी की अपनी हद को पहचानना कि मेरी हद कहाँ है। ठीक है, मेरी लिमिट कहाँ है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मेरी हद कहाँ पे है। एंड मेंटेन वंस डिग्निटी, किसी की इज्जत को बनाए रखना, किसी की रिस्पेक्ट को बनाए रखना, ठीक है, उसे लाइफ कहते हैं। कौन कह रहा है ये ओशन कह रहा है किसको, विंड को, कि टू रियलाइज वंस लिमिट्स, ठीक है, किसी को अपनी हद को पहचानना और किसी की डिग्निटी, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी की इज्जत करना, इसे ही लाइफ कहते हैं। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जितने भी हमारे पुराने जो हमारे कड़वे एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, जो भी हमने लाइफ में क्या किया हुआ है पास्ट में, जो हमारे बिटर मतलब कड़वे जो भी हमारे काम रहे हैं, जो भी हमारे बुरे काम रहे हैं, हमारी यादें रही हैं जो भी पुरानी, उन सबको भूल जाना ही उसे लाइफ कहते हैं। टेकिंग देम एज पर्ल्स एंड रबीज, कि जो भी हमारे बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी पुरानी बातें हैं, जो पुराना हमारी साथ जो बीत गया हुआ, जो हमारे साथ पुराना हुआ है, उसे क्या करना है, उसे पर्ल बनाना है, उसे मोती बनाना है, उसे नया बनाना है। एंड रबीज, रबीज मीन्स एक कीमती लाल और गुलाबी तरह का हीरा होता है, इसे हम कहेंगे बहुत ही कीमती पत्थर होता है, वो लाल और गुलाबी तरह का होता है। ठीक है, तो ओशन क्या जवाब देता है, टू रियलाइज वंस लिमिट्स, किसी को अपनी किसी की हद को पहचानना और किसी की इज्जत रिस्पेक्ट करना। और टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, जो भी पुरानी हमारी बातें हैं, जो भी हमारे कड़वे हमारे साथ यादाश्त हैं, कड़वे हमारी बातें हैं जो हमारे साथ पास्ट में हुआ हो, उन सबको करना है, टेकिंग देम एज पर्ल्स, उनको ऐसे लेना जैसे कि वो एक खूबसूरत मोती है। ठीक है, जैसे कि एक खूबसूरत मोती है और कीमती पत्थर है। दिस इज माई आइडिया ऑफ लाइफ, तो ओशन बोलता है मेरे आइडिया में लाइफ तो यही है कि अपनी हद को पहचानो, किसी की रिस्पेक्ट करो, और जो भी आपके कड़वाहट से भरे हुए जो आपके एक्सपीरियंस हैं, पास्ट जो एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो आपके साथ हो चुका है, उनको ऐसे लेना जैसे वो सुंदर मोती की तरह है और एक कीमती पत्थर की तरह।
दीज साल्टी वाटर्स ऑफ माइन प्रोड्यूस पर्ल्स एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन। ठीक है, दीज साल्टी वाटर्स ऑफ माइन, आपको पता है जो ओशंस का पानी होता है, समंदर का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, उसे हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, वो साल्टी होता है, लेकिन नमकीन पत्थर हो पानी होने के बावजूद भी उसमें क्या करते हैं, सुंदर मोती मिलते हैं। ठीक है, जो भी मोती, कीमती पत्थर, कीमती मोती होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, समंदर से मिलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, दीज साल्टी वाटर्स ऑफ माइन, कि जो मेरा ये नमक वाला पानी है, नमकीन पानी है, उसमें से ही क्या निकलते हैं, मोती निकलते हैं। एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, और समंदर से ही क्या बनते हैं, बादल बनते हैं जो कि बारिश से भरे हुए होते हैं। यू कैन कॉल इट अ लाइफ ऑफ पिनेंस और रिनन्सिएशन। पिनेंस होता है पनिशमेंट, ठीक है, कि कोई अपने आप को सजा दे रहा है अगर कुछ गलत किया हो। ठीक है, क्या कहते हैं, यू कैन कॉल इट अ लाइफ ऑफ पिनेंस। पिनेंस मीन्स कोई अपने आप को सजा दे रहा है, जो उसने गलती की हुई है वो उसको उसको वो अपने आप को सजा दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है। और रिनन्सिएशन, रिनन्सिएशन मीन्स छोड़ देना, द एक्ट ऑफ लिविंग मीन्स कि ऐसा करना कि हमने सब छोड़ दिया है, अपना हमारे साथ क्या हुआ, बुरा हुआ है हमारे साथ, किसने हमारे साथ बुरा किया है, उन सब को छोड़ दो और लाइफ में आगे बढ़ो, इसी को ही लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है, ओशन, ये विंड से कह रहा है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, टू रियलाइज वंस लिमिट्स एंड मेंटेन वंस डिग्निटी। ठीक है, अपनी हद को पहचानना और किसी की रिस्पेक्ट करना। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, जितने भी कड़वाहट से भरे हुए एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी बातें हैं, हमारा पास्ट है, उनको ऐसे लेना जैसे कि वो एक सुंदर मोती की तरह है या कीमती पत्थर की तरह है। दिस इज़ माई आइडिया ऑफ लाइफ, इसे कहेंगे है मेरे आइडिया में लाइफ तो यही है। दीज साल्टी वाटर्स ऑफ माइंड प्रोड्यूस पर्ल्स, कि मेरा पानी नमकीन होने के बावजूद भी इसमें सुंदर मोती निकलते हैं। एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, और मेरे समुंदर से ही बादल बनते हैं जो कि बारिश से भरे हुए होते हैं। यू कैन कॉल इट अ लाइफ ऑफ पिनन्स, ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि जो समंदर की जो लाइफ है वो ऐसी है जैसे कोई अपने आप को सजा दे रहा है अगर उसने कुछ गलत किया हुआ है। और रिनन्सिएशन, या तो उसने, और हमारी लाइफ ऐसी है जैसे हमने कुछ बुरा किया है और उसको छोड़ दिया है, हमारा पास्ट कैसा रहा कैसा नहीं, उसको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना, उसी को ही लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो जो विंड है फिर वो जाती है क्लाउड के पास आगे। ठीक है, देन द विंड अप्रोचेज द क्लाउड, फिर अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए जो विंड है वो क्लाउड के पास जाती है। फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि क्लाउड क्या आंसर देता है, कि लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि स्टार्स क्या कहते हैं, मून क्या कहते हैं और ओशन क्या कहते हैं। तो अभी इतना ही, तो आप इतने ही पैराग्राफ को जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू।